हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट है अंतिम प्रहार और क्वेश्चन नंबर आ चुका है 6। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, बहुत सारे वीडियोस डिले दोपहर तक हो जाने चाहिए थे, लेकिन जल्द से जल्द अब अपन कंप्लीट करने में लगते हैं। ऑलरेडी आपने डिटेल वीडियो देख लिए होंगे और लास्ट अंतिम प्रहार देखने के लिए आए, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाने वाला हूं, जल्दी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पे भी आने वाला हूं। ठीक है, 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक। अब रिस्क क्या होती है, व्हाट इज रिस्क? रिस्क का मतलब, रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक का मतलब यहां पर आपको याद रखना है कि उस सर्टेन अमाउंट से है जो आप लॉस कर सकते हो, उस सर्टेन अमाउंट से है जो आप लॉस कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी है क्या है, उसकी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी, वही आपका क्या कहलाता है, रिस्क कहलाता है। मैंने एफडी कराई, 6% अप ही मिलेगा, क्यों? क्योंकि या तो बैंक ही डूब जाए, है ना, या तो बैंक ही डूब जाए, तो मेरा रिस्क इसमें क्या होता है, मिनिमम रहता है। अगर बैंक ही डूब गई, अगर गवर्नमेंट बैंक है तो इसमें चांसेस बिल्कुल नील हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 लाख तक तो गवर्नमेंट बैंक भी हमको कहती है कि आपका पूरा रिटर्न कवर्ड है। तो रिस्क रिटर्न का मतलब क्या होता है, जो सर्टेन अमाउंट हम लॉस हो सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी, वही आपकी रिस्क कहलाती है। अब रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई इसमें नई चीज मैं नहीं बता रहा हूं, मैं केवल यह कह रहा हूं, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, हमेशा ये बात मानी गई है। हाई रिस्क हाई रिस्क लो रिटर्न की बात हमेशा से मानी गई है। कभी लो रिस्क और हाई रिटर्न हो सकता है, बकायदा हो सकता है, लो रिस्क हाई रिटर्न मिल सकता है, मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिटर्न, मॉडरेट रिस्क हाई रिटर्न, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हाई रिस्क लो रिटर्न, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी हो सकता है। अब ये चीजें हैं क्या, और यही क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स। मींस कि हम किसी भी एसेट्स पे जब कोई पैसा लगा रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो किस रिस्क पे कितना देती है। हाईएस्ट रिस्क में हम इक्विटी मार्केट को जानते हैं, कौन से मार्केट को, इक्विटी मार्केट को। इससे भी ज्यादा आप क्रिप्टो मार्केट रिस्क में आया है, क्रिप्टोकरेंसी में जो ट्रेडिंग हो रही है वो इक्विटी मार्केट इज द हाईएस्ट रिस्क मार्केट। इक्विटी में भी ऑप्शन है, डिलीवरी ऑप्शन है, FNO है, इंट्रा ट्रेड है, वो अलग है, डेरिवेटिव मार्केट भी है, कॉमोडिटी मार्केट भी है, वो अलग काइंड ऑफ मार्केट है, लेकिन इक्विटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट और कॉमोडिटी मार्केट ये हाई रिस्क के माने जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी भी हाई रिस्क की मानी जाती है। लो रिस्क में जाना है तो आपको बैंक में FD, बैंक FD, ठीक है, लैंड परचेस, ये लो रिस्क के इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। इसी को बोला जाता है रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स। और नेचर क्या होता है, हमेशा हाई रिस्क हाई रिटर्न का नेचर होता है। क्या कहता है, इन एसेट्स अलोकेशन प्लानिंग, जब भी हम एसेट्स का अलोकेशन कर रहे हैं। अब एसेट्स का अलोकेशन क्या है, एसेट्स का अलोकेशन का मतलब है द नंबर ऑफ परसेंटेज अलोकेशन इन द पर्टिकुलर एसेट्स। कितना, जैसे 25% मैंने किसमें लगाया, इक्विटी में लगाया, और 75% गोल्ड में लगाया, तो मैं कैसे रिस्क का हूं, लो रिस्क का व्यक्ति हूं। बात समझ में आई, 25% किसमें लगाया, इक्विटी में लगाया है, और 75% गोल्ड में लगाया है, तो ये क्या कहलाता है, ये रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अकॉर्डिंग एनालिसिस किया जाता है कि अपन को इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है। जो इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो है उसमें देखा जाता है, इस रिटर्न का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन डाइवर्सिफिकेशन से करा जा सकता है। यानी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द एडवांटेज और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन, यानी डाइवर्सिफिकेशन के एडवांटेज क्या है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग क्या है, डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग केवल इतना याद रखना है दोस्तों आपको कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है होता है, इन्वेस्टमेंट हो वो बांट दिया जाए डिफरेंट एसेट्स में, डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स में आपका इन्वेस्टमेंट बांट दिया जाए। जो आपका इन्वेस्टमेंट मान लो 10 लाख का है,
तो आप एक फिक्स परसेंटेज कि मेरे को इस 10 लाख का 10% कहाँ पे देना है, इक्विटी में देना है, 20% गोल्ड में देना है, 30% म्यूचुअल फंड कराने हैं, ठीक है, और रिमेनिंग 40% की FD करानी है। दिस इज द वन काइंड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग, आपकी बजटिंग कैपेसिटी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट और मार्केट कंडीशन सबके अकॉर्डिंग डिवाइड होता है और चेंज भी होता है रेगुलर इंटरवल पे। डाइवर्सिफिकेशन का अब बुकिश थ्योरी क्या कह रही है, डाइवर्सिफिकेशन अलाउ इन्वेस्टर टू रिड्यूस ओवरऑल रिस्क एसोसिएट। अब डाइवर्सिफिकेशन रिस्क कम हो जाती है। इवन शेयर मार्केट में कहा जाता है कि आपका जो शेयर ले रहे हैं आप, नेवर इन्वेस्ट 2% से ज्यादा किसी भी एक शेयर में इन्वेस्टमेंट मत करो। कितने परसेंट? केवल आपका 2%। इतना डाइवर्सिफिकेशन पे जोर दिया जाता है कि कह रहे हैं कि 2% से ज्यादा रख रहे हो आप, 5% 10% अपनी एसेट्स का रख रहे हो, इसका मतलब आप उस शेयर के ऊपर मैक्सिमम बुलिश होने चाहिए कि वो शेयर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो होना चाहिए वो शेयर। गेटिंग माय पॉइंट? और आपका मेजर जो शेयर हो वो ब्लू चिप कंपनी का हो हमेशा, मींस कि आपका 50% जो ट्रेडिंग करें आप वो हमेशा ब्लू चिप कंपनी के, यानी कि सेंसेक्स 30, निफ्टी 50, इन्हीं कंपनियों के करें, बाकी 50% के अंदर आप हेयर एंड फेयर करेंगे। ये एक शेयर मार्केट के बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जब कोई नया बंदा इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा होता है। अगर पुराना है तो फिर तो वो तो सब ज्ञानी आदमी हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी एसेट्स का रिस्क रिटर्न क्या होता है? बेसिकली हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है, लो रिस्क लो रिटर्न होता है, लेकिन डिफरेंट करता है। हाई रिस्क को लो रिटर्न पे भी हो जाता है, लो रिस्क हाई रिटर्न पे भी हो जाता है, डिपेंड ऑन योर सर्कमस्टांसेस। बेसिकली हाई रिस्क हाई रिटर्न का सर्वसम्मत एक माना गया रूल है, ठीक है। और डाइवर्सिफिकेशन अपने रिस्क को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी देता है इन्वेस्टर को, ताकि उसकी रिस्क मिनिमम हो, रिटर्न ज्यादा आ जाए। क्लियर है ना? ये दो पॉइंट, ये इतना सा पैराग्राफ आपको याद करके जाना है। जल्दी इसकी PPT भी टेलीग्राम ग्रुप पे आ रही है, तो चिंता मत करिए, जल्दी मैं आपको अगले वीडियो के साथ मिल रहा हूँ। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।